हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये युवान और युवती में फेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। तो फेस रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम होते हैं? पहले तो खील निकल आते हैं और खील के इसी जरिए उसको खड्डा पड़ जाता है और इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। कई बार बालों और में जो रूसी निकल आती है तो उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। कई बार लेडीज़ को ज़्यादातर आप एंटीबायोटिक और स्टीरोड लेते हैं तो मूछें निकल आती है, अनवांटेड हेयर बोलते हैं जिसको। कई बार हमारा फेस अगली और हाइपर पिगमेंटेड होता है और यंग से भी हम डल लगते हैं, फेस डल हो जाता है, आँखों को नीचे जो ब्लैक स्पॉट आता है। ये सब प्रॉब्लम्स युवाओं को, उनको इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है। ऐसे शरीर सिस्टम तो अच्छा होता है पर फेस अच्छा नहीं होता है, तो इसके जरिए उनको एक इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। बहुत सारी दवा करने के बाद भी अच्छा नहीं होते तो उनको लगता है कि मैं इतना अच्छा खाता हूँ, पीता हूँ, अच्छी दवा लेता हूँ तो भी नहीं मिटता है। तब ऐसी कंडीशन में जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका फेस रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये चटबूट से निकल आता है। तो सबसे पहले जो युवाओं में एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक्नी मीन्स खील बोलते हैं। जिन आप युवान में 17-18 साल में से ग्रो होते हैं तो 22-23 साल तक आपको फेस पर खील निकल आता है। और कई बार खील इतने होते हैं, रेडिश होते हैं, कॉपरी कलर के होते हैं, कई बार बड़े बड़े गड़गुमर जैसे हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि उनकी शादी होता है तब वो खील निकलना होता है, बाद में नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है, कई बार लेडीज़ को पोस्ट डिलीवरी के बाद 30-35 साल के बाद भी उनके शरीर में जो गर्मी होता है या हॉर्मोन्स इरेगुलर के कारण जो उनको एक्नी होता है तो ये भी एज में भी उनको ये एक्नी का प्रॉब्लम रहता है। और फेस में अग्लीश और फेस में रुक्षतापन और ब्यूटिफिकेशन का ही प्रॉब्लम रहता है। तो मित्रों, जो यंगस्टर में आपको एक्नी वल्गरिस होने का कारण एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है। आप ज़्यादातर बाहर का पानी एसिडिटी वाटर्स ज़्यादा लेते हैं, शुगर का कंजम्पशन लेते हैं, ब्रेड एंड पास्ता ऐसे जो फूड है जो बैलेंस डाइट नहीं है वो ज़्यादा लेते हैं, प्रिकल्स है, सॉस है। तो हमारे इसके जरिए हमारा जो लीवर है वीक पड़ जाता है, खून में शक्ति नहीं होता है। और देखो, लीवर और हमारा जो हेल्थ का जो प्रभाव है फेस पर होता है, तो ये भी हमारा शरीर का इलनेस का एक प्रभाव है। इसके जरिए खील निकल आता है और खील के खड्डे हो जाता है, उसको एक्नी वल्गरिस बोलते हैं। और ये जिंदगी भर रहता है, पर आप जो होम्योपैथिक में स्किन पीलिंग करते हैं तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपका जो स्किन फीसे बेबी फ्रेशनर और यंग हो जाता है। दूसरा नंबर का कारण यंगस्टर को आँखों के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल आ जाता है। जैसे युवान में स्किन अच्छा होता है, फेयर होती है, पर डार्क कलर के कारण उनका जो ब्यूटिफिकेशन का 20% मार्क नीचे हो जाता है। और ये बहुत सारे एक्सटर्नल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, तो आपको मालूम है कि जो मार्केट में मिलता है कॉस्मेटिक्स में बहुत पॉइजनस थिंग होता है। ये टेम्परेचर तो ठीक करता है, बाहर से दवा देता है, पर ये परमानेंट नहीं जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो आपकी लाइफ स्टाइल है। आप रात को लेट नाइट तक व्हाट्सएप या चैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया, और स्लीप लेट नाइट करते हैं, खाना पीना भी आपका रेगुलर नहीं होता है। सुबह में उठ के तुरंत आपका ऑफिस या जॉब या आपका कोई कॉलेज में भागना पड़ता है तो नींद पूरी नहीं होती है, पाचन शक्ति पर उसका इफेक्ट होता है। तो शरीर को जो भी पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और धीरे धीरे हमारा शरीर एनेमिक हो जाता है। इसके जरिए आँखों के आजू बाजू ब्लैक सर्कल आ जाता है, फेस अग्ली रहता है, फेस में जो बेबी फ्रेशनर और ग्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसे जरिए भी ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिस्टोर करने के लिए होम्योपैथिक में फेरम पॉस है, ग्रेफाइटिस है, सोराइनम है एंड हेपार्सल का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो थर्ड नंबर में, कई बार यंग बच्चे को छोटे होते पर ग्रे हेयर आने का चालू हो जाता है। ग्रे मीन्स सफ़ेद हेयर होता है, जैसे बालों में छोटे छोटे ग्रे हेयर निकल आता है, मूछे में आ जाता है, दाढ़ी के बाद में आता है। और इसकी उम्र कितनी होती है? 16-17 साल हो जाती है।
तो पेरेंट को भी उनको वरीड होता है कि एजिंग प्रोसेस क्यों आ रहा है। उसका कारण इरेगुलर लाइफ है, ज़्यादा आप कंज्यूमर शुगर करते हैं, इसके जरिए भी ग्रे हेयर हो जाता है, कई बार पेरेंटल पार्ट में भी ग्रे हेयर होता है, तो उनके बच्चों में झड़प से उनको जीनेटिक वीकनेस होने के कारण ये ग्रे हेयर होने की संभावना रहती है। कई बार बच्चे जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर आउटसाइड फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, मिल्क कम लेते हैं, B12 की डेफिशिएंसी होता है, तो ग्रे हेयर के कारण उसको हेयर फॉलिंग्स या डैंड्रफ रहने का कारण भी रहता है, और ये सब इरेगुलर लाइफ की वजह से होता है। तो इसमें होम्योपैथिक में लाइकोपोडियम है, सिलिशिया है एंड पल्सेटिला का जो उपयोग करते हैं, तो अर्ली स्टेज में जो ग्रे हेयर होता है वो ठीक कर सकता है। जिन बच्चों को ज़्यादातर ज़्यादा वजन होता है उन लोगों को थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार थायराइड की वजह से अर्ली थायराइड जो डिटेक्शन होता है इसका कारण भी ग्रे हेयर होने का चांस रहता है। तो अभी बच्चों का जो थायराइड का टेस्ट करते हैं तो जो ग्रे हेयर इसके जरिए होता है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन आप थायरोडियम 3X लेते हैं तो ग्रे हेयर होने का संभावना कम हो जाता है। मित्रों, फोर्थ नंबर में कई बार हमारे स्किन और बालों के बीच में डैंड्रफ आ जाता है, थिक डैंड्रफ हो जाता है, तो वो लाइन दिखता है। कई बार हमारा कान में भी रूसी निकलता है, कान टाइट हो जाता है, तो उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये एक स्किन डॉक्टर में होता है। पर फेस हमारा जितना लाइट और ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है तो लोगों को ध्यान जाता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो स्किन और हेयर कलर के जो बालों में डिफरेंस होता है तो तुरंत लोगों को ध्यान होता है। तो आप आधुनिक साइंस में स्टीरोड युक्त जो दवा करते हैं ये टेम्पररी तो ठीक रहता है, पर फिर से बार बार हो जाता है, और कई बार तो कोल्ड सीजन में या ठंडा जब सीज़न आती है, रेनी सीजन में आता है, तो ये एग्रावेट करता है, और इसके जरिए फेस पर एक्नी निकल आता है, नाक के आजू बाजू में छोटे छोटे बम्स निकल आते हैं, कान भी हमारा टाइट होता है, कान में खुजली आता है, और ये इतना बोरिंग होता है कि जुखाम और ये डर्मेटाइटिस की सिम्टम ऑल्टरनेट होता है, इसके जरिए भी हमारा फेस का जो ग्लो बनना चाहिए वो नहीं बनता है। ऐसे तो ये मेडिकल कंडीशन है, पर फेस पर होता है तो ब्यूटिफिकेशन का भी प्रॉब्लम है। तो इसमें होम्योपैथिक में आप ग्रेफाइटिस है, अपार सल्फ है, नेट्रम्यूर है, सोराइनम है, ये जो दवा उपयोग करते हैं मिजेरियम दवा का, तो ये सुबोरिक डर्मेटाइटिस या सिर का जो सोरासिस बोलते हैं ये जर्मों से मिट सकते हैं। मित्रों, कई बार हमारा फेस में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मीन्स स्किन कलर से ज़्यादा कलर हो जाता है, जैसे डल शेड हो जाना, हमारे फोरहेड पर ब्लैक स्पॉट पट्टी पड़ जाना, कई बार चीक पर रेड स्पॉट होना, ब्राउनी स्पॉट होना, उसको हाइपर मीन्स ज़्यादा पिगमेंटेशन, मतलब जो हमारा स्किन पिगमेंटेड होता है, जो कलर देखता है इससे ज़्यादा कलर होता है, तो उसको हाइपर पिगमेंटेशन। तो बहुत सारे फेशियल कराते हैं या बहुत सारे कॉस्टली ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं जाता है, तो आप होम्योपैथी के साथ हम हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम स्किन पिलिंग बोलते हैं। ऐसे एक मटेरियल होता है ये आपको घर पे लगाने का होता है, तो धीरे 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 तुम्हारा जो अपर लेयर में जो बनी हुई है ये क्लियर, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, ये धीरे 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 2-3 महीने में 6 महीने में वो निकल आ जाता है, और फिर से तुम्हारा जो फेस है स्किन कलर में निखार आता है, फिर से ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, फिर से तुम्हारा फेस ग्लो करने लग जाता है, रेडिश हो जाता है, और इसमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन के साथ एक्नी वल्गारिस या आपको डार्क सर्कल हो या आपका बॉइल निकल आता है या पफिनेस फेस में रहता है, ये सब कुछ ये ट्रीटमेंट एक ही ट्रीटमेंट में ये बहुत फ़ायदाकारक है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में आप सल्फर है, आर्निका है, ये भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार यंगस्टर का जो फेस है एज के मुताबिक बड़े लगता है, ये ओल्डर फेस लगता है, कई बार एक गाल बड़ा होता है, एक छोटा हो जाता है, कई बार रिंकल आ जाता है, कई बार कपार का पार्ट में भी ऐसा लगता है कि ये पार्ट मेरा ओल्डर लगता है, तो ऐसे ये जो प्रॉब्लम्स है ये कई बार जीनेटिक्स होता है और हमारे जो पेरेंट का जो भी फेस होता है जड़प से एजिंग फेस पे लगता है 20 साल का या 25 साल, तो उन लोगों को होम्योपैथिक में बेराटा म्यूर नाम की जो दवा है ये दवा बहुत उपयोगी है,
तो जिन लोगों को जो जेनेटिक्स अग्ली फेस लगता है और डार्क पड़ जाता है और फ्रेशनेस नहीं लगता है, शरीर अच्छा होता है पर फेस देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई किसी की नज़र नहीं ठहरती, तब यही कंडीशन में आप होम्योपैथिक के साथ आप स्किन पीलिंग लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। इसके साथ कई बार फेस में ऑयली फेस हो जाता है, फेस में रुवाटी निकल आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है वो सेव करती है मूंछों को पार्ट में, तो ये बार बार करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म इसमें रूप निकल आता है तो ये बाल भी निकल आता है, शुरुआत में रुवाटी होती है। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएँ आई है, तो आप दवा करते तो जो हॉर्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपका फेस का जो निखार कम हो गया हो या ऑयली हो जाता है या फेस में पिगमेंटेशन आ जाता है, खड्डे पड़ जाता है, डार्क सर्कल रहता है, तो होम्योपैथिक इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।